खर्चा करवाना पड़ेगा, नहीं काफी मेंटेनेंस है अभी, ये सब बढ़ गया, टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी आपने जो देखा वो मेरा सैटरडे संडे का ट्रिप एवरी वीक रहता है, क्योंकि इनू घर पे है और इनू के बिना यहाँ पे मन नहीं लगता है, तो मैं सैटरडे संडे की छुट्टी में घर ही चला जाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नया दिन नई शुरुआत मेरे साथ, और आज हम करने वाले हैं पूरा का पूरा फूड रिलेटेड वीडियोस। तो आपके पास कुछ नाश्ता वगैरह है तो लेके बैठिए, क्योंकि आपको भूख लगने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में ऑल आई थिंक 2 या 3 जगह पे हम गए थे, तो उसका ही वीडियो रहने वाला है। और बहुत सारा खाना खाया था हमने जो वीक 2-3 वीक से उसमें, क्योंकि तो मेरी वाइफ को कनाडा जाना था, तो उसको सब यहाँ का वो पे कहते हैं ना कि गुजराती में कहावत है, शायद हिंदी में भी होगी, कि बकरो हलाल थता पहला है ना चमड़ा में, तो ऐसा ही कुछ था। हमने काफी सारा खाना खाया, काफी सारा मीन्स लिमिटेड ही खाया, लेकिन बहुत जगह पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके हमने खाना खाया है, और आज के वीडियो में आपको मैं वही दिखाने वाला हूँ। और दूसरी एक चीज़ थी कि वहाँ कनाडा में ऑल सेट, सब सेट हो चुका है, और पॉसिबल होगा तो लास्ट में 2-3 क्लिप्स में डाल दूंगा वहाँ की, तो वो भी देख लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्या आता है। तो जिनको पता है और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे रहता हूँ साउथ भोपाल साइड, और यहाँ पे एक शॉप हमें मिली थी बाय चांस, और ये आई थिंक भोपाल BRTS से उसके सामने ही है जस्ट, और यहाँ पे 99 रुपीज़ में अनलिमिटेड खमन मिलता है, ढोकड़ा मिलता है, ईदड़ा, खानवी, पात्रा, मेथी, कोटा, बटाटा, चिप्स। तो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है? तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने पूरा टेबल खराब कर दिया था, पूरी जगह पे सेव खमनी नज़र आ रही थी, और हमने बहुत सारा खाना खा लिया था, और मेनली कुछ कुछ आइटम्स वहाँ पे अच्छी थी, पहली सेव खमनी, दूसरा जो बटाटा चिप्स था वो, और पात्रा, और मुझे ईदड़ा ज़्यादा पसंद आया था। तो ये 2-3 आइटम्स थी वो अच्छी थी, खमन नॉर्मल था, ओके ओके था, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और यहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं, तो एक बार आप देख लेना वापस जाके। और एक 4-5 कोट्स थे वहाँ पे लगाए हुए, गुजराती में थे, सुवानो खावानो बहु हाय हाय नहीं करवानी, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था, तो आप वापस जाके पोस्ट करके वो कोट्स आप पढ़ सकते हो और आपको अच्छा लगेगा। और अब आने वाली है मेहसाना की दाबेली, तो वो भी एक्चुअली हम प्लानिंग नहीं किया था, लेकिन घर पे आ गई थी पार्सल होके, तो वो भी खाया हमने, मुझे ओके ओके लगा, उससे अच्छी तो रतनपुर की दाबेली है। आप अगर रतनपुर जाने वाले हो तो ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो चलिए देख लो आप ये, और कुछ नाश्ता लेके बैठ जाओ, खाते खाते देखना वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट में बताना कौन से फूड आपको अच्छे लगते हैं अहमदाबाद और अहमदाबाद के नियर बाई एरिया के, तो मैं वहाँ जाके एक बार ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट मेरी बारी है जाने की, तो उससे पहले मैं भी सोच रहा हूँ कि
अपने जो टेम्पटिंग है वो पूरा किया जाए। ठीक है, चलो देखते। और जो पूरा हफ्ता निकला है हमारा, बारिश, खाना, शॉपिंग, उसमें ही निकल गया। और उसके बाद काफ़ी बारिश हुई थी, तो आई थिंक 1 और 2 डेज़ का ब्रेक के बाद हम गए थे वापस। और अभी लेके आए हैं स्वीट्स, ये स्वीट्स काफ़ी पसंद है मेरी वाइफ को, और वहाँ पे भी कुछ खा के आए थे हम। तो उसका वीडियो नहीं है मेरे पास। और ये वाला शॉप है यहाँ पे सोबो सेंटर के, सोबो सेंटर वाले कॉर्नर में ही है, ग्वालिया है, तो वहाँ पे जाके आप स्वीट्स ट्राई कर सकते हैं। तो कैनेडा जवाना फायदा जे मागो ए जमवानो मळे छे तारे। हां कोपरू छे आया जो तो बेटा इनो तो आपने देखा अभी इनो इन इनो की मॉम के साथ साथ इनो का भी शॉपिंग हो गया, और इनो के लिए हम 2-3 चोली लाए हैं, तो काफ़ी अच्छी लग रही है उसमें वो। तो नवरात्रि का पूरा शॉपिंग हो गया इनो का, क्योंकि क्या है कि उसके बाद मुझे तो पता नहीं चलता है, तो इसलिए हमने उसका एडवांस में ही शॉपिंग कर लिया था। राजा धीराज, तो जो हमारे राजा धीराज आपू आपू सुई जा। ये तो नेम कर કેનેડા ના નામ પર જે ખાવાનું ઉપાડવામાં આવ્યું છે અઠવાડિયા થી શું કે બેટા કાલે અંદર જોઈ લેજો કોણ કયું છે કેવી કઠાઈ નજર તો જોઈ નઈ નજર તો જો એક કદાચ અમારું શું છે જોજો તંદુરી તંદુરી હશે મને એવું લાગે આધાર વર્ષ અંદર ગરમ ગરમ છે મસ્ત ગરમ જ થઈ લેજો નોન નહીં લે
મમ્મી જોડે મમ્મી જોડે બેટા तो चलिए लास्ट ये जो वीडियो है वो जोमेटो के पार्सल का है, फूड ऑन वे, शायद फूड ऑन वे का जो पार्सल है तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आया था। सिर्फ पंजाबी जो पनीर की सब्ज़ी थी वो अच्छी थी और बाकी सब तो ओके ओके था। तो काफ़ी सारे फूड्स हमने ट्राई किए, काफ़ी सारे प्लेसेस हमने ट्राई किए और कोई अगर देख रहा है अहमदाबाद से या फिर साउथ भोपाल से, भोपाल से, जहाँ से भी नियर बाय एरिया से, तो आप मुझे बता सकते हो कौन से एरिया, कौन से फूड सब फेमस है, तो मैं वहाँ पे जाके ट्राई करना चाहूँगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड और मेक श्योर कीजिए आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आपका प्यार कॉमेंट में बरसा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।